हाय गाइस, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम इस टाइम पे आप वीडियो क्यों बना रहे हो। एक्चुअली पहले मैंने सोचा कि शायद ये इशू इतना बड़ा नहीं होगा, लेकिन ये इशू धीरे धीरे करके इतना इतना ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक हो चुका है कि अब इसको कवर करना बनता था। वेस्ट बंगाल के अंदर आपको मालूम है कि अभी जब इलेक्शंस हुए थे, तो इलेक्शंस के बाद में रिजल्ट भी आ चुके हैं और कल है 5 तारीख। 5 तारीख को ममता बनर्जी जी एज अ चीफ मिनिस्टर शपथ भी लेने वाली हैं। लेकिन क्या शपथ लेने ही सब कुछ होता है? एडमिनिस्ट्रेशन जैसी कोई चीज़ नहीं होती है? मतलब अब तो सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता जा रहा है कि भाई एक्चुअली में डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? जहाँ पे एक तरफ अलग अलग कंट्रीज हम लोगों को डेमोक्रेसी इंडेक्स के अंदर इतना पीछे खड़ा करती हैं, वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो समझ ही नहीं आ रहा है कौन सी पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पे क्या कर रही है। रियलिटी क्या है इसके बारे में तो किसी को भी नहीं पता। तो अब हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है कि मेरे को बहुत समझाना पड़े। नॉर्मल सी चीज़ें, क्या क्या कंडीशन हुई है वो सारी चीज़ें आपको बताते हैं, ठीक है? बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा कि मैम आपने ज़्यादा फोटोज़ का इस्तेमाल नहीं किया। फोटोज़ तो बहुत सारी सोशल मीडिया पे घूम रही थी। एक्चुअली मेरे पास में बहुत सारी फोटोज़ भी आई थी, बहुत सारे वीडियोज़ भी आप में से बहुत सारे बच्चों ने शेयर किए थे, बट दे आर नॉट सो, मतलब वो ऐसी नहीं थी कि जिनको वीडियो के अंदर दिखाया जाता। मतलब बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना, बुरी स्थिति में जो होती हैं बस उस तरीके की फोटोज़ थी। आइए ज़रा बात करते हैं कि हुआ क्या है। ममता बनर्जी जी आपको मालूम है वेस्ट बंगाल के अंदर तीसरी बार सीएम बनने जा रही हैं, लेकिन खतरे की जो घंटी है एक तरफ वो पूरी दुनिया के अंदर चल रही है, जिसमें हमारा जो देश है वो नंबर 1 पे आ रहा है, दैट इज़ कोरोना। जहाँ पे एक तरफ कंट्रीज के जितने भी लीडर्स हैं उन सबको मिलके काम करना चाहिए, वहीं पे कुछ अलग ही सीन क्रिएट हो चुका है। आइए ज़रा बात करते हैं कि नया सीन क्या क्रिएट हो चुका है। देखिए, आपने पूरा पढ़ लिया होगा, अगर आपने देखा हो तो कंगना रनावत का जो ट्विटर अकाउंट है उसको भी डीएक्टिवेट कर दिया गया, मतलब आई थिंक उसको पूरी तरीके से ही हटा दिया गया। अभी तो फिलहाल यही है, आगे देखते हैं क्या होता है। देखिए, बीजेपी ने यहाँ पे कुछ क्लेम किया है, समझ रहे हो ना, बीजेपी ने कुछ क्लेम किया है। क्या क्लेम किया है, पूरी कहानी को बहुत ही ध्यान से सुनना, ठीक है? पता चला बाद में बोलो कि मैम समझ ही नहीं आया। सुनिएगा, बीजेपी पार्टी आपको मालूम है कि ये और जो ममता बनर्जी जी की पार्टी है जिसका नाम है TMC, इन दोनों के बीच में सबसे तेजी से रेस चल रही थी। इलेक्शंस के रिजल्ट आने के बाद में यहाँ पे सिचुएशन कुछ और ही देखने को मिली। हम कहते हैं इलेक्शन का मतलब है डेमोक्रेसी, लेकिन यहाँ पे तो इलेक्शन का मतलब कुछ और ही हो गया। सुनिएगा, बीजेपी ने क्लेम किया है कि इनके काफ़ी सारे ऐसे वर्कर्स हैं जिनके साथ में हिंसा करी गई है। हिंसा का मतलब सिर्फ यहाँ पर ये नहीं है कि उनको मारा पीटा गया है, ये सिचुएशन और भी ज़्यादा टफ बना दी गई है, क्योंकि बीजेपी के जितने कार्यकर्ता थे उनके जो ऑफिसर्स हैं उनमें आग लगा दी गई, जो महिला कर्मचारी हैं यानी कि जो विमेंस हैं उनको रेप किया जा रहा है, उनको गैंग रेप किया जा रहा है। एक्चुअली रेप शब्द भी थोड़ा छोटा है, मेरे को पूरा वर्ड यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वी ऑल आर ब्रॉड माइंडेड, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट क्या आया कि सिचुएशन जो है वो ऐसी आ चुकी है कि वर्कर्स के साथ में तो इल ट्रीटमेंट हुआ ही है, साथ में यहाँ पे जो विमेन वर्कर्स हैं उनके साथ में भी बहुत ही बुरी तरीके से बर्ताव किया गया। ऐसा क्लेम किया गया है बीजेपी के द्वारा कि TMC के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने ऐसा किया है। अब आप पूछेंगे कि भाई ऐसा क्यों हुआ। देखिए, हुआ क्या था कि यहाँ पे जब अभी चुनाव हुए थे तो इसमें से 2 सीटें तो ऑलरेडी इन्होंने रिजेक्ट कर दी थी। अब इसमें से टोटल इनको सीटें कितनी मिली, TMC को 213 और बीजेपी के हाथ में कितनी गई, 77। बीजेपी पूरी तरीके से श्योर थी कि यहाँ पे ये सरकार बना ले जाएंगे, अमित शाह जी के स्टेटमेंट वगैरह भी काफी आए थे, लेकिन यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट आ गया। कहानी में ट्विस्ट आने के बाद में डबल ट्विस्ट आ जाएगा, ये किसी ने भी नहीं सोचा था। डबल ट्विस्ट का क्या मतलब है, देखिए, यहाँ पे बीजेपी ने ये क्लेम किया है कि जितनी भी ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जहाँ पे बीजेपी के कार्यकर्ता या फिर बीजेपी के जो मेंबर्स थे जो जीतने वाले थे लेकिन वो हार गए हैं, उन सभी जगह पर वॉयलेंस बहुत ही ज़्यादा देखने को मिला। यहाँ तक कि सिचुएशन ऐसी भी आ गई कि एक बूथ पे जो वहाँ का होता ना कि अलग अलग बूथ बनाए जाते हैं, उनके अध्यक्ष भी बनाए जाते हैं, एक बूथ पे तो कहानी यहाँ तक पहुँच गई कि उसका जो अध्यक्ष था, जो उसका हेड था, उसकी मदर की हत्या कर दी गई। भाई उसमें उनका क्या दोष था? एंड यार, मतलब एक लिमिट होती है किसी भी चीज़ की। अब ये सारी सिचुएशन देखने के बाद में लिटरली मैं बता रही हूँ, मैंने सोचा था कि इस टॉपिक को हम कल शाम में पढ़ा देंगे, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि इतना लेट मैंने कोई टॉपिक कवर किया हो, बट मुझे ये टॉपिक कवर करना पड़ रहा था क्योंकि सिचुएशन ही कुछ ऐसी आ चुकी है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हुई। इसके अलावा अगर आपको बताएं
तो यहाँ पे बीजेपी ने यह भी क्लेम किया है कि जो साउथ परगना का एरिया है वहां पे भी काफी ज्यादा डेथ देखने को मिल रही है, एंड इवन ये जो रेप केसेस हैं इनके जो बॉडीज वगैरह हैं वो आपको सड़कों पे देखने को मिली हैं। मतलब यार दिस इज डेमोक्रेसी, मतलब इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा भाई, चल क्या रहा है देश के अंदर? जबकि ये सिचुएशन ऐसी थी, सरकार जाए भाड़ में, यहाँ पे जिसकी गवर्नमेंट बननी थी बनती रहती। पॉइंट तो अभी यहाँ पर ये था कि जो पूरा हमारा देश पेंडेमिक को जूझ रहा है, जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है वहाँ पे ज़बरदस्ती ऑक्सीजन छीनने का क्या मतलब था? ज़बरदस्ती ऑक्सीजन समझ रहे हैं ना, मतलब मारने का क्या मतलब था? तो यहाँ पे बहुत ही बुरी तरीके से वर्कर्स के साथ में ट्रीटमेंट किया गया। अब सवाल ये आता है टीएमसी ने क्या बोला, ये भी तो जानना ज़रूरी है ना, टीएमसी का भी तो स्टेटमेंट आया होगा। सुनिएगा, टीएमसी की तरफ से ममता बनर्जी जी का स्टेटमेंट आता है कि हमारी तरफ से कुछ भी नहीं किया गया है, अगर ऐसी कोई भी घटना हुई है तो मैं यहाँ पे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी वेस्ट बंगाल के अंदर सभी कार्यकर्ताओं से कि शांति को बना के रखें। कौन सी शांति? खैर, इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। दूसरा स्टेटमेंट इन्होंने ये दिया कि ये सब चीज़ें जो शुरू हुई हैं ये इसलिए शुरू हो गई क्योंकि टीएमसी के जो वर्कर्स थे उनके साथ में पहले इल ट्रीटमेंट किया गया था, तो उसके जवाब में ये सारी कहानी हो रही है। भाई तुमको जब पहले से पता था तो अभी तक आपका एडमिनिस्ट्रेशन कर क्या रहा था, आपका प्रशासन कहाँ पे सो रहा था? यहाँ तक की सिचुएशन हो गई है कि यार जो शॉप्स वगैरह हैं उनको भी लूटा गया है यहाँ पे टीएमसी के वर्कर्स के द्वारा। यार ये तो बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ, मतलब गलत होने की भी एक सीमा होती है लेकिन इन्होंने तो हर एक सीमा को पार कर दिया। तो यहाँ पर ये सारी सिचुएशन आपको वेस्ट बंगाल के अंदर देखने को मिल रही है, जहाँ पे हमने सोचा था कि सरकार ने बोला था अपने मैनिफेस्टो के अंदर कि जब हम जीत जाएंगे तो हम फ्री वैक्सीनेशन कराएंगे, सब बड़े खुश थे। कहा गया था कि हम आपको जॉब्स देंगे, बड़ी ही खुशी की बात थी, लेकिन ये नहीं पता था कि इन फ्यूचर हमें ये भी देखने को मिलेगा। तो अगर इसे डेमोक्रेसी कहते हैं तो यार हमें डेमोक्रेसी की कोई ज़रूरत नहीं है, आप एक काम करो, आप तानाशाही कर लो, समझ रहे हो? तो ये कंडीशन हो गई है कहाँ पे, वेस्ट बंगाल के अंदर। अब इसके ऊपर क्या होगा, होम मिनिस्ट्री ने अपनी एक रिपोर्ट मंगवा ली है कि भाई हमें एक रिपोर्ट चाहिए, और जो सिचुएशन है वो सिचुएशन एज इट इज़ आपको यहाँ पर अभी भी देखने को मिल रही है। इसके ऊपर एज सच कोई बहुत बड़ा एक्शन अभी भी नहीं लिया गया है, तो लेट्स सी कि यहाँ पे एक्शन कोई लिया जाता है कि नहीं लिया जाता है, क्या चीज़ें होती हैं क्या नहीं, क्योंकि यहाँ पे सीएम ने तो बोल दिया है कि भाई टिट फॉर टैट वाली कहानी चल रही थी। लेकिन टिट फॉर टैट का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि आप किसी की जान ले लें, हर बार अगर जान पे आएगी तो कैसे काम चलेगा, है ना? तो ये था पूरा इशू जो मैंने आपको समझाया। काफी बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी कि मैम प्लीज इसको एक बार समझा दीजिए, चल क्या रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो दिस इज अ सिचुएशन जो आपको वेस्ट बंगाल के अंदर देखने को मिल रही है। प्लीज सेशन को एक बार से लाइक और शेयर मार दीजिएगा, और इसके अलावा आपका जो सब्सक्रिप्शन ऑफर है इसके बारे में भी ध्यान रखिएगा। ये सब्सक्रिप्शन ऑफर आपके लिए 1 साल और 2 साल का है, इसमें आपको एक्सटेंशन मिल रहा है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। और अगर आपको यूपीएससी बैच ज्वाइन करना है तो उसके बारे में भी मैंने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करी हुई है, आप देख सकते हो, इसके अंदर भी आपको एक्सटेंशन मिल रहा है, बुक्स वगैरह भी प्रोवाइड करी जा रही है, राइट? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन है, जस्ट क्लिक एंड ज्वाइन, कोड यूज कौन सा करना है कृति रे, ठीक है? चलिए मिलते हैं आपसे सुबह 7 बजे, टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्टे एट होम एंड बी सेफ।